जिससे तेरी शान है सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। दोस्तों आज स्वतंत्रता दिवस की इस मंगल प्रभा के अवसर पे मैं शिविन पवार आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों भारत आज हमारे भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए 72 साल पूर्ण हो रहे हैं। कई क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी पाने के लिए अपने जीवन का त्याग किया और उनके बलिदान और त्याग से कई महान पुरुषों के नेतृत्व में वीरों ने आजादी के युद्ध में खून की नदियां बहाई। दोस्तों आज हम सब सुरक्षित है, याद करो वो दिन जब अंग्रेजों का साम्राज्य हमारे भारत देश पे था, कैसे जिए होंगे वो लोग, कैसे सहा होगा उन्होंने अंग्रेजों का अत्याचार, अगर सिर्फ याद किया तो बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों हमें आजादी ऐसे ही नहीं मिली, कई भारतवासियों ने अपने खून की नदियां बही। हर बोले के मुंह से हमने सुनी वह कहानी थी, खूब लड़ी वह मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने शौर्य से पराक्रम करने वाली, आपने पीठ पर नन्ही बच्ची को लेकर लड़ने वाली, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी ऐसे करारे जवाब में अंग्रेजों की धूल चटाने वाली हमारी झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, स्वराज्य ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ऐसे करारे जवाब में ऐसे शेर जैसी गर्जना देने वाले लोकमान्य तिलक करो या मरो ऐसे नारा देने वाले हमारे राष्ट्रपिता जिन्हें हम बापू कहते हैं महात्मा गांधी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ऐसे नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान वीरों ने स्वयं के तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का आग्रह भारतवासियों से किया, लोगों को लड़ने के उद्देश्य से प्रेरित किया और उनके बलिदान और त्याग से 15 अगस्त 1947 का सुनहरा दिन आया, अंग्रेजों के शासन से हमें मुक्त करवा दिया। 14 अगस्त की मध्यरात्रि को जब सारे भारतवासी सो रहे थे तब लाल किले पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी का तिरंगा फहराया, पूरी दुनिया खुशी से आजादी के जश्न में डूब गई। सलाम उन वीर जवानों को, सलाम उनके कार्य बलिदान को,